लाइव कोलकाता, आपकी सोच हमारी ताकत। नमस्कार, लाइव कोलकाता के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा और खबरों की शुरुआत करने से पहले देख लेते हैं सुर्खियां। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सिल्वन प्लाई, ब्रेक नहीं बनता। राहुल गांधी बने कांग्रेस के नए अध्यक्ष, पार्टी के सिमटे जनाधार को बढ़ाना उनका लक्ष्य। दिल्ली में हुए निर्भया कांड के पूरे हुए 5 साल, 16 दिसंबर 2012 में हुआ था निर्भया के साथ चलती बस में दुष्कर्म। मालदा में पुलिस ने 10 नाबालिकाओं को बचाया, महिला तस्करी गिरोह के चंगुल से 4 गिरफ्तार। और झाड़ग्राम में परिवार के विरोध के बाद प्रेमी जोड़े ने लगाया मौत को गले, दोनों पहले से ही थे शादीशुदा। शुक्रवार यानी 16 दिसंबर को कांग्रेस का अध्यक्ष राहुल गांधी को बना दिया गया। हालांकि ये औपचारिकता थी, उनका कांग्रेस अध्यक्ष बनना पहले से ही तय था, लेकिन इसके साथ ही सोनिया गांधी ने कहा है कि वो अब राजनीति से संन्यास लेंगी। लेकिन वहीं पार्टी के लोगों का कहना है कि उन्होंने सिर्फ अध्यक्ष पद से संन्यास लिया है, लेकिन वो राजनीति में अभी बनी रहेंगी। लेकिन आपको बता दें कि सोनिया गांधी ने 1998 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद का पदभार ग्रहण किया था और इसके बाद 19 सालों तक वह कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष रही। इन 10 सालों के बीच वे यूपीए की चेयरपर्सन भी रही और इसके साथ ही साथ उन्होंने पूरे देश पर यूपीए नामक गठबंधन की राजनीति की। दिल्ली में हुए निर्भया कांड को 16 दिसंबर 2017 को 5 वर्ष पूरे हो गए। आपको याद होगा कि आज से ठीक 5 साल पहले चलती हुई वर्ष में इस निर्भया के साथ 4 दरिंदों ने दरिंदगी की सारी हदों को पार कर दिया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इन 4ों को फांसी की सजा सुनाई थी। लेकिन एक आरोपी के नाबालिग होने के कारण उसे जुवेनाइल कोर्ट ने सिर्फ नाबालिग से बालिग होने तक की सजा सुनाई थी, यानी आज एक आरोपी अभी भी घूम रहा है। इसके साथ ही दिल्ली के वातावरण में क्या तब्दीली आई है ये कोई नहीं बता सकता, क्योंकि वहां सरकार बदल गई है। पहले की सरकार और थी, अभी कोई और सरकार चल रही है, केंद्र में भी सरकार बदली हुई है, लेकिन वहां की महिलाएं अपने आप को आज भी सुरक्षित नहीं पाती हैं। आज से 5 साल पहले जो निर्भया कांड हुआ था, उसके बाद देश को ऐसा लगा था कि अब देश में निर्भयाओं की हत्याएं नहीं होगी, उनके साथ में कोई दुष्कर्म नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज भी देश में कई निर्भयाएं हैं जो सामूहिक रूप से प्रताड़ित हो रही हैं या दुष्कर्म का शिकार हो रही हैं। इसी मुद्दे पर लाइव कोलकाता की टीम पहुंची कोलकाता महानगर में और जानी कोलकाता के महिलाओं की राय। कोलकाता में भी तो उतना हम लोग सुरक्षित नहीं है, सेफ नहीं है। यहाँ पे भी आए दिन कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है, और हम लोग जब जैसे रोड्स पे निकलते हैं तो कुछ ना कुछ लड़कों से कमेंट्स आते ही हैं, तो उतना भी सेफ नहीं है। पर खुद को हम लोग खुद को स्ट्रांग करके रखे हैं और जितना हो सके उतना खुद को प्रोटेक्ट करते हैं हम लोग। उस टाइम जिस टाइम हुआ था उस टाइम तो मैंने बस उतना थोड़ी छोटी थी, मैं उतना न्यूज़ चैनल उस टाइम पर नहीं देखी थी। एक्चुअली जब मैं क्लास 10 में थी तब शायद ये कांड हुआ था, तो बहुत कम याद है मुझे भी। मैं थोड़ा सा मैं डरी हुई थी, मतलब सुन के कि इतना कोई मतलब इंसानियत नाम का तो चीज़ नहीं था बिल्कुल भी। पूरा इंसान ह्यूमैनिटी तो था ही नहीं, पूरा ह्यूमैनिटी लेवल के अलग किया था उन लोगों ने। तो थोड़ा सा डर हुआ था कि हाँ अब थोड़ा खुद को अच्छे से करना है, अगर दूसरी लड़की के साथ अगर हमारे साथ होता है हमारे आँखों के सामने तो प्रोटेक्ट करना, उन लोगों को भी जाके सपोर्ट करना सामने से आकर के। जैसा कि मुझे उतना याद नहीं है, बट इतना याद है कि उसमें से एक अडल्ट नहीं था। अच्छा, तो हम मुझे लगता है ऐसा कि उन लोगों को सज़ा जो मिला उस समय, कानून को उस समय सज़ा जल्दी देना चाहिए, लेकिन उन लोगों ने बहुत लेट किया है। और कोलकाता में हम लोग सेफ़ वैसे भी नहीं हैं, लड़कियां कहीं भी सेफ़ नहीं हैं, और जहां तक सेफ्टी का बात है हम लोग यहां भी सेफ नहीं, बस यहां पे बातों को दबा दिया जाता है। और अगर दिल्ली का देखा जाए तो वहां पे तो लड़कियां मैं बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ, वहाँ पर लड़कियाँ बिल्कुल भी सेफ़ हैं। वहाँ पर घर के माँ बाप अभी तक डरते हैं कि लड़कियाँ वहाँ पे, तो फिर भी वहाँ के जो माँ बाप हैं वो डरते हैं कि लड़कियों को किस वहाँ पे भेजा जाए, या किसी के बहुत उन लोगों के अंदर डर है कि किसी चीज़ के लिए हम लोग उनको भेजें क्लास करने के लिए, पेंटिंग करने के लिए, वो लोग किसी चीज़ के लिए सपोर्ट करने में भी डरते हैं, लेकिन यहाँ पे वैसा फिर भी उस टाइप में डर नहीं है।
मालदा में एक महिला तस्कर गिरोह के मंसूबों पर उस समय पानी फिर गया जब इंग्लिश बाजार थाने की पुलिस ने उनके द्वारा तस्करी के लिए लाई गई 10 नाबालिग बच्चियों के साथ इस तस्करी गिरोह के 4 अभियुक्तों को धर दबोचा। बताया जा रहा है कि सभी नाबालिकाएं बिहार की रहने वाली हैं। मालदा में एक महिला तस्कर गिरोह ने 10 नाबालिग किशोरियों की तस्करी की साजिश रची थी, पर साजिश सफल हो पाती इससे पहले ही इंग्लिश बाजार थाने की पुलिस ने तस्करों के मनसूबे पर पानी फेंक दिया। जानकारी के अनुसार सभी नाबालिग बिहार की है जिनकी उम्र 9 से 12 साल के बीच है। शनिवार सुबह मालदा के सुकांत मोड़ इलाके से 4 व्यक्ति 10 नाबालिग बच्चियों को लेकर टाउन स्टेशन की ओर जा रहे थे। स्थानीय लोगों को शक होने पर लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस जानकारी पाकर मौके पर पहुंची और सभी बच्चियों के साथ अभियुक्तों को भी अपने हिरासत में ले लिया। वही एक अभियुक्त ने बताया कि वे बच्चियों के परिवार वालों के सहमति से ही उन्हें नागपुर के मदरसा विद्यालय में पढ़ाई के लिए ले जा रहे थे। बच्चे लोग का उम्र कितना है? किसी का 12 है, किसी का 10 है, किसी का 9 है, इस तरीके के। कहाँ के रहने वाले हैं? सर किशनगंज बिहार, बहादुर के रहने वाले हैं। कहाँ ले जा रहे थे? सर नागपुर से पहले दुर्ग पड़ता है सर, वहाँ लेके जा रहे थे। वहाँ मदरसा है। और उसका मम्मी पापा? जी उसके मम्मी पापा घर में है सर। अच्छा, आप क्यों ले जा रहे हैं? जी पढ़ाने के लिए सर। सर कोई जगह नहीं मिला, कोई क्या वक्फ कर सकता है क्या सर? फ्री में कोई वक्फ करेगा तो वहीं पर पढ़ाएंगे, जो फ्री में बच्चों को भी पढ़ाए पूरा खर्चा दे तो वहाँ पर जहाँ पर भी पढ़ाएगा वहाँ पर हम। वहीं पुलिस ने चाइल्ड लाइन के साथ संपर्क किया और बच्चियों को होम में सुरक्षित भेजने का व्यवस्था भी किया। साथ ही पुलिस बच्चियों की परिवार वालों के साथ संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर रही है। हल्दिया रेल लाइन में अचानक दरार पड़ जाने के कारण कई घंटों तक रेल सेवा वहां ठप रही। बताया जा रहा है कि जब स्थानीय लोग रेलवे लाइन से होकर गुजर रहे थे तो उनकी नजर उक्त दरार पर पड़ी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इस घटना की जानकारी स्थानीय स्टेशन को दी। घटना की जानकारी पाते ही रेलवे के अधिकारी आनंद फानन में रेलवे लाइन के पास पहुंचे और उसे जल्द से जल्द ठीक किया गया। इस घटना के दौरान करीब आधे घंटे तक हावड़ा हल्दिया लोकल ट्रेन खड़ी रही। हल्दिया के सुताहाटा के पास रेलवे लाइन में दरार दिखने से रेल कर्मियों में हलचल मच गई, जिसके कारण कई घंटों तक रेल परिसेवा ठप रही। जानकारी के अनुसार शनिवार सुबह जब स्थानीय लोग रेलवे लाइन के पास से गुजर रहे थे तो लोगों ने उक्त दरार को देखा और स्थानीय रेलवे स्टेशन को इसकी जानकारी दी। घटना की खबर पाकर रेलवे के अधिकारी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। घटना के कारण करीब आधे घंटे तक हल्दिया हावड़ा लोकल ट्रेन को रोक दिया गया। बाद में जल्दी दरार को ठीक कर रेलवे सेवा बहाल की गई। अपना हावड़ा हल्दिया ट्रेन आस लोकल ट्रेन आस हठात देखी हमारा जो फाटा हमारा तक संगे संगे एक गामछा छो गामछा देखे 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 आगे जाए सामने दिखे तरपर देखते पे सामने जो गेट्टा आसें से गेट्टा गेटर लोक जन आसे संगे संगे आसार पर ता तर प्रसेस अनुजाई ता से तर पता दे लाल पता दे तरह रेल दाड़ी जाए दाड़ानों पर मोटामोटी 10 मिनट धरे प्राय 10 मिनट धरे काज चलछे काज करार पर आस्ते आस्ते धीरे धीरे लोकल गेछे। हुगली के सेवड़ा फुली में एक 10वीं श्रेणी में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा की शादी उसके माता पिता ने ही इलाके के में ही रहने वाले 45 वर्षीय व्यक्ति के साथ कर दी थी और शनिवार को उसका बहुभात का कार्यक्रम भी था। लेकिन जब स्थानीय पड़ोसियों को इस बात की भनक लगी और उन्हें जब ये पता चला कि ये शादी गैर कानूनी है तो वे लोग इसका विरोध करने लगे। एक 10वीं श्रेणी में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा के माता पिता ने उसके मर्जी के खिलाफ उसकी शादी इलाके के रहने वाले 45 वर्षीय व्यक्ति के साथ शुक्रवार को मंदिर में कर दी थी और शनिवार को नए दंपति का बहुभात का कार्यक्रम होने वाला था। इसी दौरान जब पड़ोसियों को ये पता चल गया कि ये शादी गैर कानूनी है तो पड़ोसी शादी का विरोध करते हुए दंपति को शेवड़ा पुली पुलिस पारी में ले गए। वहीं पुलिस ने अभियुक्त पति हरिपद कर्मकार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस द्वारा समझाने के बाद छात्रा के पिता को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने छात्रा को फिर से स्कूल भेजने का वादा किया। झाड़ग्राम में एक अनोखा प्रेम प्रसंग देखने को मिला और इस प्रेम प्रसंग में दोनों प्रेमी जोड़े ने आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार दोनों प्रेमी जोड़े पहले से ही शादीशुदा थे लेकिन इनके बीच कई सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था और जब इस घटना की जानकारी दोनों के परिजनों को लगी तो उन्होंने इसका विरोध किया। परिजनों द्वारा विरोध को न झेल पाने के कारण शनिवार को दोनों प्रेमी जोड़े ने बरगद के पेड़ से लटक कर अपनी जान दे दी।
पूर्व मिदनापुर के झारग्राम जिले के बेलेबाड़ा थाने के गोवालमारा गांव में अवैध प्रेम संबंध के कारण एक गृहवधु और पड़ोसी के एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। मृतकों का नाम बड्डू हेमब्रम और सोनामणि बादल बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार कई दिनों से दोनों के बीच प्रेम संबंध चल रहा था, जबकि दोनों ही शादीशुदा थे और कुछ दिनों पहले दोनों के परिवार वालों को इनके प्रेम संबंध की धुनक लग गया, जिसके बाद से दोनों परिवार के बीच विवाद चल रहा था, जिसके बाद प्यार को विफल होता देख शनिवार सुबह बड्डू और सोनामणि ने बरगद के पेड़ से लटककर आत्महत्या कर ली। सुबह जब लोगों को दोनों का शव लटकता हुआ मिला तो लोगों ने तुरंत इसकी सूचना बेलेबाड़ा थाने की पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस इसकी तहकीकात में जुट गई है कि ये आत्महत्या है या उनकी हत्या की गई है। नदिया जिले के एक घर में कई दिनों से आ रही दुर्गंध को केंद्र कर जब स्थानीय लोगों ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी और पुलिस जब उक्त घर में पहुंची तो पता चला कि उक्त घर में रहने वाला व्यक्ति कई दिनों से मरा पड़ा हुआ है। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि उक्त व्यक्ति अकेले ही उस घर में रहता था और पुलिस के अनुसार 3 दिन पहले उसकी मौत हो चुकी थी। नदिया जिले के रानाघाट के शरदपल्ली के एक मकान से एक व्यक्ति का सड़ा गला शव मिलने से इलाके में हलचल मच गई। जानकारी के अनुसार शुक्रवार दोपहर को आसपास के लोगों को उक्त मकान के अंदर से दुर्गंध आती हुई महसूस हुई, जिसके बाद लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस खबर पाकर मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकाल कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मृत व्यक्ति का नाम चंचल चक्रवर्ती बताया जा रहा है। उक्त व्यक्ति उस मकान में अकेले ही रहता था और वो मानसिक रूप से विक्षिप्त था। पुलिस का अनुमान है कि करीब 3 दिनों पहले ही व्यक्ति की मौत हो गई थी। कल के रात थे ना कि गंध पाचे भेबे चो कोनो किछु तो मरे पड़े आछे। आज के जखन खुले देखछे जे एरकम जे मरे गेछे सेई निये सबाई जानाजानि हये गेछे। एटाई डाक नाम हलो चंचल चक्रवर्ती और भलो नाम रवींद्रनाथ चक्रवर्ती। फिलहाल पुलिस घटना की जाँच कर रही है। मालदा में एक बहुभात कार्यक्रम से लौटते वक्त एक बुलेरो कार सड़क दुर्घटना का शिकार हो गई। बताया जा रहा है कि इस दुर्घटना में गाड़ी चालक की मौत हो गई, वहीं 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार चालक ने गाड़ी से अपना नियंत्रण खो दिया, जिसके कारण गाड़ी अनियंत्रित होकर रास्ते पर खड़े एक ट्रक से जा टकराई और ये घटना घटी। बहुभात से लौटते वक्त यात्रियों से भरी एक कार के साथ लॉरी की आपस में टक्कर होने से कार की ड्राइवर की मौत हो गई, वहीं 8 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। ये घटना मालदा के गाजल थाना अंतर्गत 34 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग के समीप घटी। जानकारी के अनुसार शुक्रवार रात को कुल मिला के 32 यात्री एक बहुभात के कार्यक्रम से वापस लौट रहे थे। उसी समय चालक ने अनियंत्रित होकर रास्ते पर खड़े एक लॉरी को सामने से टक्कर मार दी। वही घायल 8 यात्रियों को तुरंत मालदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। ঘটনার বুলবুল চন্ডী এসেছিল কন্যাযাত্রীতে, তো ফেরার পর বাড়ি ফেরার পথে 8 মাইলের কাছে এই দুর্ঘটনাটা ঘটে। তো একটা বুলেটে 8-9 জন ছিল ড্রাইভারকে নিয়ে, তো ড্রাইভার সঙ্গে সঙ্গে স্পট ডেড আর বাকি 3 জন গুরুতর এমার্জেন্সি গেল। ঘটনা কি জানকারি গাজল থানে কি পুলিশ কো দি গই, জিসকে বাদ পুলিশ মৌকে পর পৌঁছি আর ঘাতক কার কো আপনে কব্জে মে লে লিয়া। পুলিশ ঘটনা কি যাচ মে জুটি হুই হ্যায়। उत्तर दिनाजपुर में भी एक सड़क दुर्घटना ऐसी घटी जिसमें 2 विपरीत दिशाओं से आ रही ट्रकें आपस में भिड़ गई। इस घटना में ट्रक के चालक सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। उत्तर दिनाजपुर में 2 ट्रक की आपस में टक्कर होने से चालक सहित अन्य 4 लोग घायल हो गए। ये घटना रायगंज के पूर्व अशोकपल्ली इलाके की 34 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग पर घटी। जानकारी के अनुसार 2 विपरीत दिशा से आ रही ट्रकें आमने सामने भिड़ गई। वहीं इस घटना में घायलों को रायगंज सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में ले जाया गया। इस घटना में राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। घटना की जानकारी रायगंज थाने की पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम मुक्त करवाया। पुलिस घटना की जाँच कर रही है। आइए देख लेते हैं बंगाल से जुड़ी कुछ अन्य खबरें। आसनसोल के नियामतपुर में हुए 9 वर्षीय एक मासूम बच्ची के साथ रेप के मामले में नियामतपुर फाड़ी की पुलिस ने और 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम गुड्डू अंसारी और अजहरुद्दीन मीर बताया जा रहा है। इन दोनों के ऊपर पॉक्सो कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसके साथ ही पुलिस ने शनिवार को दोनों को अदालत में पेश किया।
आसनसोल के स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बर्नपुर स्थित इसको इस्पात संयंत्र के ब्लास्ट फर्नेंस में जोरदार धमाके के साथ आग लग गई। प्लांट के कई गैस के पाइपलाइनों में भी आग लग गई। हालांकि इस घटना में कोई भी श्रमिक हताहत नहीं हुआ। इस घटना की जानकारी तुरंत दमकल को दी गई, जिसके बाद दमकल विभाग आग बुझाने के प्रयास में जुट गया। प्लांट के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। इसको प्लांट में नियमित खराब गैस को ब्लैडर वाल्व के जरिए रोज 105 मीटर की ऊंचाई से रिलीज किया जाता है। शुक्रवार संध्या भी उस गैस को निकाला जा रहा था, तभी जोरदार धमाके के साथ आग लग गई। इसको प्लांट की दमकल की टीम ने तत्काल आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। धमाके की जोरदार आवाज ने पूरे बर्नपुर शहर को थर्रा दिया। EDPND CA सिन्हा ने कहा कि बॉयलर में गैस लीक होने से यह घटना हुई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दमकल विभाग की टीम आग बुझाने में पूरी तरह से कारगर साबित हो रही है। पूर्व मेदिनीपुर जिले के कांथी के दूरमुठ ग्राम में बिजली का करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। इस घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान मानिक खान के तौर पर हुई है। जानकारी के अनुसार मानिक शुक्रवार की सुबह मोटर पंप द्वारा तालाब से गंदा पानी निकाल रहा था। उसी दौरान मोटर पंप से बिजली का करंट लगने से मानिक जमीन पर चोटिल होकर गिर पड़ा। वह मानिक के परिवार के लोगों द्वारा उसे घायल अवस्था में कांथी महकमा अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। काल सुठे मारा गया के मानिक अपना के है चाचा तो भाई। कांथी थाने की पुलिस घटना की जांच पड़ताल कर रही है। रास्ते को पार करते वक्त बस के नीचे आकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। ये घटना पूर्व मिदनापुर के हल्दिया मेचेदा 41 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग के समीप राधा मनी स्टॉपेज इलाके में घटी। मृत व्यक्ति का नाम तुहिन भट्टाचार्य बताया जा रहा है। वही इस घटना से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने ट्रैफिक पुलिस की लापरवाही के तरफ उंगली उठाते हुए पुलिस बूथ में आग लगा दी, साथ ही रास्ते को जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। वही इस घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और किसी तरह मामले को शांत करवाया। पुलिस इस घटना की तहकीकात में जुट गई है। हुगली जिले के दानकुनी थाने के मनोहरपुर के 16 नंबर वार्ड में अवैध तरीके से तालाब को भरने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि विश्वरूप घोष व उक्त इलाके के पार्षदा प्रीति घोष के द्वारा इस काम को अंजाम दिया गया। এটা ভোজন হচ্ছে সেইটাই তো আমি জানি না, তার জন্যই তো আমি আপনাদেরকে ডেকেছি বা ওদেরকে জিজ্ঞাসা করেছি। ওরা বলছে নাকি রাস্তার পার বাঁধানো হচ্ছে, এটা পরে জানা গেছে, কিন্তু আমাকে বলছে বেশি মাথা মারার চেষ্টা করো না, বেশি বোঝার চেষ্টা করো না, তোর কত ক্ষমতা আছে সেটা তুই জানা আছে আমার। তালাব কে মালিক সঞ্জু গুপ্তা কা আরোপ হ্যায় কি তালাব মে কুড়া করকট ফেঁকনে সে তালাব কি গহরাই পহলে কে মুকাবলে কম হো গই হ্যায়। साथ ही उन्होंने बताया कि विश्वरूप घोष व प्रीति घोष ने मिलकर सड़क को बनवाने के नाम पर तालाब को जबरदस्ती भरवा रहे हैं। ये पुकुर बोझानोटा नियो काकारा বলছে পুকুর বোঝাচ্ছে, কিন্তু আমি একটা আইনত লোক হই, আমার তো চোখে পড়ছে না পুকুর বোঝাচ্ছে, কারণ পুকুরটা রাস্তাঘাটের যে পাড়ার পাঁচজন তো ময়লা ফেলেই পুকুরের মধ্যে, এবং রাস্তার যে নোংরা গুলো ওগুলো পুকুরে ফেলা হচ্ছে। এলাকাবাসী ও সঞ্জীব গুপ্তা দ্বারা দানকুনি নগর নিগম কো ইস ঘটনা কো লেকার লিখিত রূপ সে অর্জি দি গই, লেকিন আব তক নগর নিগম দ্বারা কোই ভি কার্যবাহী নহি কি গই হ্যায়। उत्तर दिनाजपुर में महकमा शासक का नकली हस्ताक्षर करने व फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाने का आरोप लगा है 10वीं कक्षा के 11 छात्रों पर। जानकारी के अनुसार OBC या ST/SC जाति के छात्रों को राज्य सरकार के तरफ से भत्ता दिया जाता है, जिसके लिए छात्रों को ब्लॉक उन्नयन अधिकारी के कार्यालय में जाति प्रमाण पत्र जमा करना पड़ता है। रायगंज ब्लॉक के मालंज हाई स्कूल के 11 छात्रों के पास जाति प्रमाण पत्र न रहने पर छात्रों ने ये कदम उठाया और प्रमाण पत्र को BDO कार्यालय में जमा किया। ब्लॉक प्रशासन को जांच के जरिए पता चला कि हस्ताक्षर नकली है, जिसके बाद ब्लॉक प्रशासन ने महकमा शासक को इसकी जानकारी दी। এটা ইটস রিলেটেড যেটা সম্পর্ক আছে, এটা আমাদের এখানে প্রি ম্যাট্রিক স্কলারশিপ বলে একটা স্কলারশিপ থাকে, তার জন্য ছাত্রছাত্রীরা HBL ইনস্টিটিউশন থেকে অ্যাপ্লাই করতে পারে অনলাইন। এবার আমার কাছে একটা রিপোর্ট আসে ফ্রম BDO রায়গঞ্জ যে ওনার ওইখানে যখন এইগুলো জমা পড়েছে
ওইখানে 11টা কেস এরকম ওনাদের মনে পড়েছে যে সার্টিফিকেট যে সাপোর্টিং দিয়েছে অ্যাজ এসসি সার্টিফিকেট 11টা কেস, কেন এগুলো সব ইট অ্যাপিয়ার্স টু বি ফজড ওনাদের মনে হলো। সো দে আর সেন্ড ইট টু মি। এবার আমরা এখানে ভেরিফাই করে দেখলাম, দেখে আমাদের প্রথমে বোঝা গেল যে অল দিস সার্টিফিকেটস ওয়ার ফজড। महकमा शासक ने जब इसकी जांच की तो असलियत सामने आई और महकमा शासक ने रायगंज थाने में कुल 11 छात्रों के खिलाफ जालसाजी करने का मामला दर्ज कराया। दवाइयों के दामों को कम करने और फील्ड कर्मियों पर काम का अतिरिक्त दबाव डालने के विरोध में शनिवार से उत्तर दिनाजपुर के रायगंज के विधान मंच में वेस्ट बंगाल मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन द्वारा 14वें राज्य जनरल काउंसिल सभा की शुरुआत की गई, जिसके तहत कई प्रतिनिधियों ने रैली निकाली और रायगंज शहर का परिभ्रमण किया। उक्त सभा में राज्य भर से लगभग 1000 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। दिनाजपुर जिला प्राथमिक शिक्षा संसद के चेयरमैन बेंजामिन हेमरम का बेटा वॉल्टर हेमरम गुरुवार से ही घर से लापता है। बेंजामिन अहमदाबाद थाने के बारेबाड़ी ग्राम के रहने वाले हैं। बेंजामिन ने अपने बेटे के लापता होने का मामला थाने में दर्ज करवाया। उसदिन गत 13 तारीखे रात 11টা নাগাদ মা এবং ছেলের মধ্যে একটু কথা-কাটাকাটি হয়। ছেলে সেই সময় রাগ করে সে পরনে ছিল হাফ প্যান্ট বারমুডা এবং তার রেঞ্জার সাইকেল নিয়ে সে বেরিয়ে গেল। আজ নিয়ে 3 দিন হচ্ছে, 3 দিন থেকে তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। থানায় মিসিং ডায়েরি করা হয়েছে। সাথী বেঞ্জামিন নে বাতায়া কি গুরুবার কো উনকে বেটে কে সাথ উনকি কাহাসুনি হো গই থি জিসকে বাদ সে হি উনকা বেটা লাপাতা হ্যায়। পুলিশ ওয়াল্টার কো তালাশ করনে মে জুটি হুই হ্যায়। दक्षिण दिनाजपुर में महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दक्षिण दिनाजपुर के जिला पुलिस ड्यूटी फास्ट ऐप ला रही है। नए साल की शुरुआत में ही ये ऐप ग्राहकों तक पहुंच जाएगा, ऐसा कहना है जिला पुलिस सुपर प्रसून बैनर्जी का। इस ऐप में है 7 फीचर्स जिससे तुरंत मुश्किल में पड़ी महिला की सूचना पुलिस तक पहुँच जाएगी। शुक्रवार को इस ऐप के इस्तेमाल व उपयोग करने के तरीकों को लेकर जिला पुलिस सुपर ने एक सांवादिक सम्मेलन करते हुए इस ऐप के बारे में जरूरी तत्व को पेश किया। নতুন প্রজেক্ট আছে যেটা 2018 একদম শেষের দিকে প্রায় প্রথম দিকে লঞ্চ করতে যাচ্ছে, তার একটা ডেমো আছে আমাদের 3 মিনিটের। ফিলহাল ইস বুলেটিন মে ইতনা হি, হামে দিজিয়ে ইজাজত, নমস্কার। लाइव कोलकाता, आपकी सोच हमारी ताकत।